अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको टेक्सला की वो टॉप 10 जगह दिखाऊंगा जहां आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है बाबा वली कंधारी चिलागा, जो कि मरगला टेक्सला की पहाड़ियों पर मौजूद है। और इसकी एक तफसीली वीडियो भी मैंने बनाई थी बाबा वली कंधारी मरगला टेक्सला के नाम से। आप सर्च करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शायद आपने देख भी ली हो। ये एक पहली जगह है जो आपको मैंने दिखाई है टेक्सला में, जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं और 9 ऐसी जगहें आपको दिखाऊंगा टेक्सला की। ये है जी नंबर 2 जान निकलसन टावर टेक्सला, ये चौक रत्ता शाह के बिल्कुल करीब वाक़ है, एक अंग्रेज़ जर्नल की याद में बनाया गया था इसको, जान निकलसन के नाम से इसको मंसूब किया गया है। तो इसकी हाइट भी है 35 फीट ऊंचाई है इसकी। ये है जी खानका इकबालिया टेक्सला, सरायखोला के बिल्कुल करीब वाक़ है, यहाँ भी आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला की एक तफसीली मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, वो भी UET के नाम से इंटरनेट पर मौजूद है, YouTube पर, उसको भी आप देख सकते हैं। अपने इस एरिया की सबसे बड़ी ये यूनिवर्सिटी है टेक्सला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और इसके बाद है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बाद चौथा नंबर है जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, ये है जी शेर शाह सूरी गेटवे जो टेक्सला अड्डा पर मौजूद है। हिंदुस्तान के बादशाह शेर शाह सूरी ने ये तमीर करवाया था 1544 में। गवर्नमेंट हाई स्कूल टेक्सला के बिल्कुल साथ है। ये रास्ता दिल्ली से काबुल तक जाता था। इसकी भी तफसीली वीडियो मैंने अपने YouTube के चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो शेर शाह सूरी गेटवे टेक्सला के नाम से हमारे YouTube चैनल पर इसकी तफसीली वीडियो मौजूद है। मस्जिद राजगान खानपुर में ये इंतहाई तारीखी मस्जिद बनी हुई है, पत्थरों और छोटी ईंटों से ये बनी हुई मस्जिद। कहा जाता है कि ये भी शेर शाह सूरी के दौर में बनाई गई थी। ये इस मस्जिद का गीज़र है उस वक्त का, मस्जिद राजगान खानपुर। इस पर भी एक तफसीली वीडियो मैंने बनाकर अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो आप सर्च कर लें हमारे YouTube चैनल पर मस्जिद राजगान खानपुर। इसी मस्जिद के साथ खानपुर डैम भी है जहां पर बोटिंग भी होती है, पैराग्लाइडिंग भी होती है और घूमने फिरने के लिए एक खूबसूरत झील भी वाक़ है। इस पर भी एक तफसीली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है,
अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा खानपुर डैम। B17 टेक्सला के करीब ये बिल्कुल नई मस्जिद है, नई हाउसिंग सोसाइटी ये भी देखने के काबिल है, जामा मस्जिद वा कैंट। तहसील टेक्सला से मुंसलिक वा कैंट का खूबसूरत शहर जामा मस्जिद वा कैंट, जो के सदर अयूब दौर में तमीर की गई, इस पर भी तफसीली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। जामा मस्जिद वा कैंट इसी टाइटल के साथ मैंने अपलोड की हुई है ये वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जामा मस्जिद वा कैंट। ये है जी पिपला, आसार कदीमा पिपला टेक्सला, इसकी तफसीली वीडियो भी मैंने YouTube पर अपलोड की हुई है। ये आसार कदीमा 1982 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए। पिपला के अलावा एक और तारीखी जगह है जंडियाला टेंपल, ये भी टेक्सला में वाक़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला और नहर के बिल्कुल करीब वाक़ है ये। इसको भी यूनेस्को ने 1982 में आलमी सकाफ़ती वर्षा करार दिया। इंतहाई पुरसकून जगह गांगू के बिल्कुल करीब टेक्सला में। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी टॉप 10 हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो 10 इलाके जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए थे उन पर एक अलग सी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप देखिएगा ज़रूर। मैं हूँ मास्टर नबील आमर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ऑल अबाउट टेक्सला।